Hello friends, how are you? First of all, happy Diwali to all of you and thank you very much ki mere 1400 subscriber plus ho gaye, to it's big thing for me, but you know, as compared to other channels kuch bhi nahi hai, but still 1000 and 500 and then now 1400 tak 1500 ho jayenge, to अच्छा है, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। इतने सब्सक्राइबर भी अभी स्टार्टिंग है, तो इतने आई नो इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं अपलोड कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास खुद टाइम कम होता है। एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूब चैनल्स तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल एक स्टार्ट होता है, तो है 1400 सब्सक्राइबर्स भी इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो बाकी यू नो आई हैव टाइम नहीं होता इतना यार वीडियो अपलोड करने का, इतनी क्वालिटी एंड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं अपलोड कर पाता बिकॉज सब वीडियोज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो ये रीज़न, ये वीडियो मैं आपको एक विश करने के लिए अपलोड किया दिवाली की, एंड एक जो यू नो सबने देखा होगा कि JKSSB का जो रिक्रूटमेंट है जो निकला हुआ है, कल से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो अच्छी पोस्टर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टर्स हैं, जूनियर असिस्टेंट, लेबॉरेटरी असिस्टेंट, ये सब कुछ। तो यू नो मैं जो फॉर्म फिल करूँगा इसमें जूनियर असिस्टेंट का, तो इसमें बाकी यू नो हमारे स्टेट का तो आपको पता ही है यार कितना, मतलब जो होता है डिजर्विंग उसको मिलता नहीं है एंड जो नहीं होता उनको मिलता है। तो बाकी तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एक पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट इसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप इसमें क्लियर करो तो आपका, एंड यू नो इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं होता है बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल से सोचा जाए तो इतने क्वालिफाई नहीं करते बच्चे। यू नो लास्ट ईयर भी मैंने एक फॉर्म फिल किया था एंड यू डोंट बिलीव कि चार पोस्टें थी एंड मेरा डिस्ट्रिक्ट था डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तो चार पोस्टें थी तो उसमें से आई थिंक एक दो वैकेंट ही रह गई थी बिकॉज यू नो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था बच्चों से, तो ये चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन उसके बाद इसका प्रोसेस चेंज कर दिया था कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा, रिटर्न भी होगा, बिकॉज अब कई जगह तो जो एलिजिबिलिटी है 35 एंड 90 प्लस एक्यूरेसी बच्चे ज़्यादा जितनी पोस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर लेते हैं, देन उसमें उनको फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर उन्होंने वहाँ एक रिटर्न टेस्ट इंक्लूड किया। तो इस बार भी रिटर्न है बट स्टिल टाइपिंग तो कंपलसरी है, उसको पास करना है। अब यू नो अगर आप पहले आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है तो जितने भी क्वालिफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ठीक है वैसे ज़्यादा बेटर है। तो ये वीडियो मैंने इसके लिए भी अपलोड किया, अगर आप टाइपिंग कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टेज हैं तो आप अच्छा उसमें ईजिली आप जॉब ले सकते हो बिकॉज यू नो इतना ज़्यादा कंपटीशन इस लाइन में नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेरी टाइपिंग, अब मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट एक सिंपली रिकॉर्ड कर लेता हूँ टाइप, बट अब मैं वैसे एक यू नो एक नर्वसनेस होती है कि अब आपको किसी के सामने टाइप करना है एंड आप ऐसे तो फ्रीली तो आप कर लेते हो टाइप, एंड ये मैं अपलोड कर रहा हूँ आई नो अब मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड करूँगा, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन ऑनलाइन, मतलब टाइपिंग टेस्ट है, आई नो इतना टफ पैराग्राफ नहीं है बट स्टिल टाइपिंग तो टाइपिंग ही करनी है ना, तो मैं ये टाइप करता हूँ, आई होप कि मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, एंड इसके बाद आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, एंड उसके बाद आप मुझे अब टिप्स वगैरह इस टाइपिंग के लिए आपको ना इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तो आप अगर आपकी नहीं प्रैक्टिस है तो मैं आपको इसके टिप्स भी दे सकता हूँ। सो इससे बाकी बातें छोड़ो, मैं इस टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ, आई होप कि मैं क्वालिफाई करूँ जितना एलिजिबल है। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो ऐसे ईजी होता है अकेले बैठ के करना, बट जब किसी के सामने करना पड़ता है ना तो वो भी अंडरस्टैंड क्या बोलना चाहता हूँ। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर रहा था, मैंने ऑलमोस्ट अपलोड मतलब पूरा टाइप भी कर लिया था, बट यू नो घर वालों को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, देन वहाँ से कोई आवाज़ लगा देता है, देन यू नो
फिर इसको मैं अपलोड ही नहीं कर सकता हूँ। हो गई कंप्लीट 43 क्रॉस आई 41 नेट आई यू नो ये थोड़ा सा टेबल मेरे सॉरी ये वो एक्सक्यूज नहीं दे रहा बट ये थोड़ा सा हिल रहा था इसलिए थोड़ी कम हुई बट यू नो मैं आई थिंक 50 तक कर सकता था ये थोड़ा पैराग्राफ इजी था तो मैं इसको ज़्यादा भी थोड़ा कर सकता था बट फाइनली जो भी हो यार 35 करनी है तो आई होप हो जाए 95% एक्यूरेसी वहाँ 38 भी हो जाए 36 हो जाए 90-91% एक्यूरेसी हो तो डेट्स इट क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है आई थिंक तो वो रिटर्न 60 पॉइंट उसके मिलने हैं क्वालिफाई करने के बाकी वाइवा एंड इंटरव्यू जो भी हो वाइवा एंड उसके बाद जो रिटर्न है हमारा सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ दे सकूँ तो इतना टिप्स देने के काबिल मतलब यार ठीक है थोड़ा बहुत है कर लेता हूँ तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कैसे स्टार्ट कैसे करना प्रोसेस बिकॉज यू नो ये प्रोसेस अब रैंडमली जाके कुछ भी टाइप नहीं कर सकते तो कुछ इसका एक प्रोसेस होता है।
फिंगर पोजीशंस वगैरह जो आई थिंक सबको पता होगा, बट अगर नहीं पता किसी को, अगर वो चाहते हो कि मैं इसके लिए एक वीडियो अपलोड करूँ एंड आपको बताऊँ कि कैसे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, देन यू कैन कमेंट डाउन. सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड बाकी 1500 आज कर दो तो मज़ा आ जाए. थैंक यू.